हेलो बच्चों कैसे आप लोग फाइनल अकाउंट्स चैप्टर के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है लास्ट लेक्चर में हमने फाइनल अकाउंट्स का यूनिट वन स्टार्ट किया था दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज उसमें हमने बहुत बेसिक डिस्कशन की थी कि हमारे क्या क्या फाइनल अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तो उसके हमने बेसिक डिस्कशन कर ली थी आज के लेक्चर में हम लोग प्रीडोमिनेंटली डिस्कस करेंगे कि हमको फाइनल अकाउंट बनाते बनाते वक्त क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ठीक है जी तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं इससे पहले कि मैं अपनी मेन कॉन्सेप्ट पे आज की मेन डिस्कशन पे आऊं मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले करवाना चाहता हूं तो पहले हम वो छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं और फिर अपने एडजस्टमेंट्स वाले पार्ट पे आ जाएंगे ठीक है जी तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिए आप लोग हेडिंग डालिएगा लो ओपनिंग एंट्रीज तो बहुत ही एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है तो इसको हम लोग फटाफट से कवर कर लेते हैं इसके ऊपर एक हमारा स्टडी मटेरियल का सवाल भी है वो भी हम लोग कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा ठीक है ओपनिंग एंट्रीज इसका मतलब क्या होता है पहले आप लोग लिख लो फिर इसको देख लेंगे इट मींस ट्रांसफरिंग क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज प्रीवियस ईयर as ओपनिंग बैलेंसेस इन द current ईयर ठीक है क्या जर्नल एंट्री होती है हमारी इसमें बहुत सिंपल सी बेसिक सी जर्नल एंट्री होती है वो भी लिख लो जर्नल एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट इसमें लिख लो ब्रैकेट में इंडिविजुअली टू लाइबिलिटीज अकाउंट इसमें भी ब्रैकेट में लिख लेना इंडिविजुअली टू कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट बस इतना सा कॉन्सेप्ट है तो ये आप नोट कर लो और काम खत्म क्या सर इस जनरल एंट्री में कोई बैलेंस भी बच सकता है क्या क्या इस जर्नल एंट्री में कोई बैलेंस बच सकता है द आंसर इज नो ठीक है तो ये कभी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ ना जाए तो ये भी लिख लो आप वैसे अंडरस्टूड है बट फिर भी आप लिख लो कभी आपको रिवाइज करते वक्त डाउट आ जाए नो बैलेंस विल बी लेफ्ट इन द अबव एंट्री इन द अपर एंट्री ठीक है तो कॉन्सेप्ट समझना ये क्या कॉन्सेप्ट है आपका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये आपका एक अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है फर्स्ट अप्रैल 2021 को खत्म कब होता है थर्टी 31 मार्च 2022 को ठीक है जी तो अब आप यहां पे अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हो इंक्लूडिंग बैलेंस शीट इंक्लूडिंग बैलेंस शीट बैलेंस शीट में आप अपने क्या दिखाते हो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज तो जो भी आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बैलेंसेस होते हैं वो आप अपने बैलेंस शीट में दिखाते हो कैपिटल भी आपका मैं मान रहा हूं लाइबिलिटीजीजीजीजीज में इंक्लूडेड है क्योंकि कैपिटल भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी मैंने में िटी uh, में सब कुछ कवर हो गया आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी कवर हो गई और कैपिटल भी कवर हो गया ठीक है जी थी? तो आप अपने इकतीस मार्च दो को सारी एडजस्टमेंट करने के बाद सब कुछ हो जाने के बाद जो भी एसेट्स और भीज की बैलेंस बच जाते हैं वो आप अपनी मार्च की बैलेंस शीट में दिखा दोगे अब क्या होगा अब हम लोग अगले साल में कूद जाएंगे तो 31 मार्च खत्म होते ही रात के बारह बजते ही अगले दिन फर्स्ट अप्रैल शुरू हो जाएगी यानी अगले अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत हो जाएगी और सेम कहानी चलेगी फिर आप अगले अकाउंटिंग ईयर में काम करोगे 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 करोगे, कर, कर, करोगे जो कि 31 मार्च को खत्म हो जाएगा जो कि 31 मार्च को खत्म हो जाएगा 31 मार्च कौन सा होगा 31 मार्च 2023 और फिर कहानी आपकी रिपीट होगी तो अगर मैं आपकी इस अकाउंटिंग ईयर की बात करूं इस अकाउंटिंग ईयर की बात करू स्पेसिफिकली मैं फर्स्ट अप्रैल की बात करूं तो फर्स्ट अप्रैल को आप लोग क्या क्या काम करते हो आप अपने एसेट्स के खाते बनाते हो आप अपने एसेट्स के खाते बनाना शुरू करते हो और आपको यहां पे ओपनिंग बैलेंस आता है कोई लाइबिलिटी का अकाउंट होता है हमारा तो हमारा इधर ओपनिंग बैलेंस आता है इधर आता है बाय बैलेंस बी डी लिखते हैं अच्छे से जानते हो लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हम ओपनिंग बैलेंस यहां पे डाल रहे हैं टू बैलेंस बी डी या बायेंस बी डी ये आता कहां से ये पिछले साल से आता है तो कि जब पिछले साल से आता है तो क्या इसकी भी हमको कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं पास करनी पड़ती तो यस इसकी भी हम टेक्निकली एक अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं और उसी अकाउंटिंग एंट्री को हम बोल देते हैं क्या ओपनिंग एंट्रीज उसी अकाउंटिंग एंट्रीज को हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री यही आपका कॉन्सेप्ट तो एक बार आप पढ़ के देखो समझ आ जाएगा इट मीन ओपनिंग एंट्रीज मीन ट्रांसफरिंग क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्रीवियस ईयर पिछले साल के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफर करना एज ओपनिंग बैलेंस इन द करेंट ईयर करेंट ईयर में उसको एज ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर करना यही होता है आपका ओपनिंग एंट्री ठीक है तो आप अपनी पिछले साल की बैलेंस शीट देखोगे जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में बोला इकतीस मार्च दो की बैलेंस शीट देखोगे कि उसमें क्या क्या एसेट्स आ रहे हैं क्या क्या लाइबिलिटीज आ रही हैं और उसको उठाकर आप करंट ईयर में ट्रांसफर करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस ओपनिंग बैलेंस ठीक है उसकी पोस्टिंग तो आप लोगों को अच्छे से पता है क्या होती है टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बी ये आपकी पोस्टिंग होती है लेकिन उसके अगर आपसे पूछा जाए कि ओपनिंग एंट्री क्या बनेगी तो वो आपको यहां पे कवर कर दी है तो ओपनिंग एंट्री बनेगी क्या कोई दिक्कत है क्या एसेट्स को आप ला रहे हो पिछले साल से करेंट ईयर में तो एसेट्स को आप डेबिट कर रहे हो आप देख लो क्या कर रहे हो आप एसेट को डेबिट साइड पे लिख रहे हो टू बैलेंस बीडी तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली आप एसेट के अकाउंट को डेबिट कर रहे हो तो आप सारे जो जो भी एसेट्स है उसको इंडिविजुअली डेबिट कर दोगे सिमिलरली लाइबिलिटीज में देखना लाइबिलिटीज में आप क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हो बाय बैलेंस बीडी तो टेक्निकली आप लाइबिलिटी को क्या कर रहे हो क्रेडिट कर रहे हो तो बस लाइबिलिटीज को हम लोग इंडिविजुअली क्रेडिट कर देंगे जो जो भी आपकी लाइबिलिटीज गिवन है और सिमिलरली कैपिटल भी आपकी एक लाइबिलिटी ही होती है बिजनेस के लिए और कैपिटल का भी बैलेंस क्रेडिट ही हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी तो वो भी क्रेडिट हो रहा होता है तो उसको भी हम लोग क्रेडिट कर देते हैं और हमारी अकाउंटिंग एंट्री इतनी सी बनती है खत्म हो जाती है अच्छा स्टार में डाल के हमने बोला कि इस एंट्री में जो मैंने ओपनिंग एंट्री वाली लिखी इसमें कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा इसमें कोई भी बैलेंसिंग फिगर बचने का सवाल ही नहीं उठता क्यों नहीं उठता क्योंकि ये जो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज डाल रहे हैं ये जो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं वो बैलेंस शीट से कर रहे हैं राइट right? तो ये जो एसेट्स में डेबिट कर रहा हूं ये आपकी एसेट साइड है और ये जो लाइबिलिटीज और कैपिटल में क्रेडिट कर रहा हूं ये आपकी बेसिकली बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है तो आप लोगों को अच्छे से पता है एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का टोटल तो सेम ही होता है तो जब मैं एसेट साइड को ट्रांसफर करके यहां ला रहा हूं और लाइबिलिटी साइड को ट्रांसफर करके क्रेडिट में ला रहा हूं तो क्या कोई बैलेंस बच सकता है नहीं जब एसेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल ही सेम होता है तो यहां बैलेंस बचने की कोई संभावना ही नहीं बचती इसलिए हमने बोल दिया कि इस एंट्री में कोई बैलेंस बचने की आप पूछना मत कभी आपके दिमाग में सवाल आना ही नहीं चाहिए ठीक है जी तो यही आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आई थिंक आपके स्टडी मटेरियल में दो इलेट्रेशन है अगर मैं गलत ना हूं तो टू इलेट्रेशन है तो एक इलस्ट्रेशन में आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूं फटाफट से और दूसरा इलस्ट्रेशन मैं आपको बाद में होमवर्क में दे दूंगा ठीक है तो बहुत सिंपल है वैसे तो दोनों भी इलस्ट्रेशन टेक्निकली मुझे होमवर्क में देनी चाहिए बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया है तो मैं आपको फॉर्मेलिटी के लिए एक सवाल करा ले रहा हूं हालांकि आप सवाल देकर बोलोगे कि सर ये टाइम वेस्ट करने वाला करने वाली बात है कुछ भी इसमें करना नहीं था ठीक है जी चलो तो आ जाओ आप अपनी स्टडी मटीरियल के इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है मेरे ख्याल से इलेवन है मैं एक बार चेक कर लेता हूं इलस्ट्रेशन नंबर इलेवन राइट ठीक है जी तो इलेवन फटाफट से कर लेते यहीं डिस्कस कर लेंगे कहता है शीट मिस्टर मैं है मैं अच्छा पेज पेज नंबर नंबर भी बता देता मटेरियल का ठीक जी चलो तो कहता है बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर पोपट लाल मर्चेंट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी डेट्स का बड़ा ध्यान रखना है आपको डेट्स का बस आपको गौर करना है इकतीस मार्च दो की आपको बैलेंस शीट दे रखी है ठीक है तो अब बैलेंस शीट कोई खास नहीं है आपको इधर दे रखा है कैपिटल फिर आपको ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवर ड्राफ्ट दे रखे हैं तो बेसिकली कैपिटल एक प्रकार की इंटरनल लाइबिलिटी हो गई और ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवर ड्राफ्ट आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी सिमिलरली एसेट साइड में आपको बिल्कुल साधारण से फिक्स्ड एसेट दे रखे हैं इन्वेंट्रीज दे रखी है फिर ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स में से प्रोविजन माइनस कर रखे तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कभी आपके दिमाग में डाउट ना बचे इवन दो बैलेंस शीट में जो सही दिखाने का तरीका होता है वो क्या होता है कि हम अपने ग्रॉस या ट्रेड रिसीवेबल्स में से प्रोविजन माइनस करके अपनी बैलेंस शीट पे नेट फिगर दिखाते हैं नेट डेटर्स की फिगर दिखाते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम प्रोविजन अकाउंट को क्लोज करके उसको ट्रेड रिसीवेबल्स में ट्रांसफर कर रहे हैं कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं ये खाली एक प्रेजेंटेशन का तरीका है है ना ट्रेड रिसीवेबल्स का एक अपना अकाउंट मेंटेन हो रहा होगा जिसका अपना बैलेंस चल रहा होगा और ये एक एसेट अकाउंट होता है ट्रेड रिसीवेबल्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का आपका एक अलग अकाउंट मेंटेन हो रहा होगा जिसका अपना अलग बैलेंस चल रहा होगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है ठीक है तो आपके दिमाग में कभी ये नहीं आना चाहिए

क्योंकि हम ये कई बार डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी ये करते हैं हमने बारहवीं में भी करा है हमने इलेवंथ में भी ये पढ़ा है तो कभी हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ना आए इसलिए मैंने क्लियर कर लिया ठीक है इसके अलावा आपका कैश का बैलेंस दे रखा है तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है एक बार रिक्वायरमेंट देख लो शो ओपनिंग जर्नल एंट्री ऑन फर्स्ट अप्रैल टू तो देखो बैलेंस शीट कब बन रही थी हमारी या कौन सी साल की बैलेंस शीट दे रखी है पिछले साल की इकतीस मार्च दो की हमें नेक्स्ट डेट पे यानी अगले साल की ओपनिंग डेट पे ओपनिंग एंट्री पास करनी है ये रिक्वायरमेंट है तो क्या ये क्वेश्चन कोई कराने लायक है अपने आप से पूछना क्या ये सवाल कराने लायक है वैसे तो नहीं है बट मैं फिर भी करा लेता हूं तो क्या एंट्री करी हमने क्या एंट्री डिस्कस करी हमने सारे एसेट्स को डेबिट करो पहले इंडिविजुअली तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट फिर और क्या क्या दे रखे आपको इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट ठीक है और क्या दे रखा आपको ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट ठीक है प्रोविजन लाइबिलिटी है तो प्रोविजन यहां नहीं लिखना कैश एसेट है तो कैश लिख लो कैश अकाउंट डेबिट ठीक है जी थी? अब अपनी पहले सारी लाइबिलिटीज लिख लो तो पहले मैं लाइबिलिटी साइड देख लेता हूं ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट है ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट और क्या है आपका इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और फाइनली आपका कैपिटल है टू कैपिटल अकाउंट ठीक है तो अमाउंट डाल दो तो फिक्स्ड एसेट का वन ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड है इन्वेंट्रीज फॉर टू जीरो सिक्स फोर हंड्रेड है अच्छा अब ट्रे, ट्रेड रिसीवेबल्स में कितना डालेंगे तो इसलिए मैंने आपको पहले क्लैरिफाई कर दिया था आपकी आत्मा हो सकती है बोले कि जो फाइनल फिगर ये वाली आ रही है बैलेंस शीट में ये डालनी है तो आप चाहे तो ये लिख लो अगर आपके दिमाग में भी ये डाउट आता है ये लिख के इसको काट दो इसको काट दो क्योंकि डेटर का जो हमारा एक्चुअल बैलेंस चल रहा है वो ये वाला चल रहा है हमारे डेटर अकाउंट हम खोल के देखेंगे डेटर का लेजर खोल के देखेंगे तो हमारा वन लैख एटी एट थाउजेंड का बैलेंस चल रहा है ठीक तो यहां तो हम लोग वन लाख एटी एट थाउजेंड ही दिखाएंगे ठीक है और कैश तो आपका है फिर थर्टी कितना है थर्टी सिक्स टू हंड्रेड थर्टी सिक्स टू हंड्रेड लाइबिलिटीज भी डाल दो तो ट्रेड पेबल्स कितनी है वन लाख सिक्सटी फोर बैंक ओवर कितना है वन फोर्टी सिक्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देखो एक अलग है ऑल दो हमने माइनस करके प्रेजेंट कर रखा है लेकिन एक अलग अकाउंट है 6200 का तो ये हम अलग से यहां पे दिखा रहे हैं 6, और कैपिटल कितने रुपए का है कैपिटल है दो लाख चालीस का ठीक है तो आप चाहे तो मिलान करके देख लेना डेबिट का और क्रेडिट का आपका बैलेंस इक्वल ही आएगा तो जैसे डेबिट का टोटल अगर मैं करूं डेबिट तो का टोटल आ रहा है फाइव ट्वेंटी फाइव लैख ट्वेंटी और क्रेडिट का टोटल भी सेम ही आना चाहिए था नहीं आ रहा क्या हो गया कौन सा अमाउंट गलत डल गया अच्छा कैश छत्तीस दो सौ है ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है वन ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड प्लस टू जीरो सिक्स फोर हंड्रेड प्लस वन एटी एट प्लस छत्तीस दो सौ हाँ ठीक है फाइव फिफ्टी सिक्स टू हंड्रेड आ रहा है सॉरी तो डेबिट का टोटल भी फाइव सिक्स फिफ्टी सिक्स टू हंड्रेड आ रहा है और क्रेडिट का भी टोटल सेम ही आ रहा होगा फाइव फिफ्टी सिक्स टू हंड्रेड ठीक है वैसे आपको टोटलिंग करनी नहीं बट आपके तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे टोटल लिख लेता हूं फाइव फिफ्टी सिक्स टू हंड्रेड दोनों का टोटल आ रहा है ये टोटल हमेशा सेम ही आएगा मैंने अपने कैलकुलेटर पे कुछ गलत बटन हिट कर दिए थे शायद इस वजह से कुछ गड़बड़ हो गया था तो मैं कंफ्यूज हो गया था लेकिन टोटल तो आपका नेचुरल सी बात है सेम ही आएगा ठीक है जी तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था समझ आ गया होगा इसी तरह का एक और इलस्ट्रेशन आपकी स्टडी मटेरियल में वो मैं लेक्चर के एंड में आपको नोट करवा दूंगा एज होमवर्क ठीक है चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते अब आप अपनी अगली हेडिंग डालना एडजस्टमेंट्स टू बी मेड इन फाइनल अकाउंट ये तो अपने मुद्दे का डिस्कशन अब स्टार्ट हो रहा है आज के लेक्चर का तो यहाँ पे मुझे आपका पूरा अटेंशन चाहिए थोड़ा पेशेंटली पढ़ना बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है और मैं कुछ भी शॉर्टकट नहीं मारने वाला मैं सारी एडजस्टमेंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपके लिए रेलिवेंट है जहां पर भी मुझे लगा कि कुछ एग्जाम्पल की जरूरत है तो वहां मैं आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगा ठीक है तो जितना भी टाइम लगे आई डोंट केयर बट इस पर डिस्कशन करूंगा बाद में इस पर डाउट नहीं आने चाहिए क्वेश्चन करते वक्त कभी भी डाउट नहीं आने चाहिए सर इसमें ऐसा क्यों करा उसमें वैसा क्यों करा इस तरह के डाउट आपके दिमाग में कभी भी नहीं आने चाहिए इसलिए हम यहां पे पहले एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे ठीक है जी तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है पहले तो ये लिख लो चलो तो मेरे साथ लिखो पहला फर्स्ट एरोजस्टमेंट्स मींस एडिशनल इंफॉर्मेशन Given outside trial balance for which no separate entries entry has been passed in the बुक्स तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है वो सारी आइटम्स वो सारी कहानियां ठीक है मैं कहानियां बोल रहा हूं जो आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती है है ना ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रही होती है तो जब मैं कह रहा हूं ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रही कोई ऐसी कहानी या कोई इंफॉर्मेशन इसका मतलब क्या है कि हमने कोई भी अकाउंटिंग एंट्री उसके पास नहीं कर रखी राइट right? तो अगर वो ट्रायल बैलेंस में आ रही होती तो इसका मतलब हमने अकाउंटिंग एंट्री पास करी होती राइट तो कोई भी चीज की हम अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं कोई भी की हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो जर्नल एंट्री से हम लेजर बनाते हैं और लेजर से फिर हमारा वो ट्रायल बैलेंस में आ जाता है लेकिन अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रही इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि हमने उसकी कोई भी जर्नल एंट्री वगैरह कोई पास ही नहीं कर रखी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ठीक है ओके फिर लिखना आप अपना Rule of Adjustments Rule of Adjustments Given outside Trial Balance as Additional Information इसके आपके दो इफेक्ट्स होते हैं आप ऐसे समझ लिखो इस पर लिखो ऐसे टू इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और कभी कभी आपके कुछ एडजस्टमेंट्स के आइटम आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे देता है गिवन इन ट्रायल बैलेंस तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी आपसे गलती करवाने के लिए क्वेश्चन आपको कुछ यूजुअली uh, जो ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं जो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस ही होते हैं उसको वो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे देता है तो इसका आप हमेशा याद रखना इसका हम हमेशा एक ही इफेक्ट देते हैं ठीक है थीके? तो अभी तो बस एक जनरल रूल लिखवा रहा हूं लिखवा रहा हूं इसके हम लोग सेपरेटली डिस्कशन करेंगे जब हम ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे तो हम उसका पीछे की कहानी समझेंगे लेकिन अभी एक हमारा रूल है बेसिकली कि अगर कोई एडजस्टमेंट या कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर देता है तो उसके हमें दो जगह इफेक्ट्स लेने हो, लेने होते हैं हमें उसके दो जगह एडजस्टमेंट्स करनी होती है बेसिकली क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम को हमें फॉलो करना होता है मैंने बोला एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ट्रायल बैलेंस के बाहर की जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसकी हमने कोई भी एंट्री पास नहीं कर रखी तो जब हम कोई भी एंट्री पास करेंगे जब हम उन ट्रांजेक्शन की अपने दिमाग में एंट्री पास करेंगे तो एक डेबिट एस्पेक्ट भी लेंगे एक क्रेडिट एस्पेक्ट भी लेंगे है ना तो यानी दो एस्पेक्ट हो रहे होंगे तो इसलिए हम हमेशा जहां पर भी हम एडजस्टमेंट्स करेंगे इसकी तो हमें दो जगह इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी लेकिन अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन वो ट्रायल बैलेंस में ही दे रखा है तो इसका मतलब वो हमारी एंट्री पास हो रखी है उसकी हमें सिर्फ उसका कोई एक इफेक्ट लेना होता है एक एडजस्टमेंट करनी होती है बाकी जब आप करोगे एक एडजस्टमेंट तो आपको समझ आ जाएगा ठीक है तो ये मैंने खाली एक थम रूल आपको लिखवाया है ताकि आपको याद रहे राइट चलो तो क्या अब हम लोग एडजस्टमेंट डिस्कस करना शुरू कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते कोई दिक्कत है क्या तो अब आ जाओ आप अपने मुद्दे की डिस्कशन में तो फर्स्ट एडजस्टमेंट

अगेन जो मैं रिपीटेटिव एंट्री लिख रहा हूं जो लास्ट लेक्चर में हम लिख चुके थे वैसे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट ये एंट्री होती है तो बताओ इसके दो एडजस्टमेंट्स क्या होते होंगे इसके दो एडजस्टमेंट्स क्या होते होंगे तो साथ साथ में इसके हम एडजस्टमेंट भी यहां पे लिखते हुए चलते एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता है और दूसरा आपका ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आता है तो हो गए दो एडजस्टमेंट्स दो इफेक्ट्स ले लिए ट्रेडिंग अकाउंट में एक लेना है आपको और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाना है तो ये आपके दो एडजस्टमेंट्स हो गए अच्छा अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो फिर हम क्या करते हैं ये भी मैं आपको लिखवा चुका था

हो गया तो ये हो गई आपकी पहली एडजस्टमेंट कवर तो अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड एडजस्टमेंट में सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स ऐसा खर्चा जो करेंट ईयर से जिस ईयर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं जिस ईयर के हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं करंट ईयर से रिलेट करता है लेकिन अभी हमने पे नहीं करा ड्यू हो गया खर्चा लेकिन पे नहीं करा पे हम बाद में करेंगे ठीक है तो हम लोगों को यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल एक सबको लगा के चलना है प्रैक्टिकली हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं उसमें हम एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाते हैं ठीक है तो करंट ईयर का खर्चा करंट ईयर में ही आना चाहिए चाहे वो पे हुआ हो चाहे ना हुआ हो ठीक है तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो अभी पे नहीं हुआ लेकिन क्योंकि वो करेंट ईयर से रिलेट करता है तो उसको हमें करेंट ईयर के खर्चे में दिखाना होता है अब इसकी हम लोग क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं तो मैं आपको एंट्रीज भी लिखवाते हुए चलूंगा साथ साथ ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉग रहे तो इसकी एंट्री लिखना एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ठीक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है क्योंकि ये खर्चा अभी मेरे को पे करना है मैंने पे नहीं करा तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है ये मेरे लिए लाइबिलिटी है ठीक है इसको तो रेड से ही गोला करते हैं कंफ्यूजन होगी बाद में नहीं तो ठीक है तो खर्चा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि करेंट ईयर का खर्चा है तो मुझे एक्सपेंस में दिखाना चाहिए इसलिए हम एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हैं और क्योंकि आउटस्टैंडिंग है ये खर्चा लाइबिलिटी है तो इसलिए हम लिए एक रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तो ये मेरी एंट्री हो जाती है तो अब इसी एंट्री के बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछू बताओ क्या दो एड इसकी एडजस्टमेंट होंगी इसकी दो एडजस्टमेंट्स क्या होंगी तो पहली एडजस्टमेंट क्या होगी पहला हम खर्चा दिखा रहे हैं तो खर्चा हमारे कहां आते हैं हमारे पीएनएल में आते हैं तो इसको हम क्या कर देंगे डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट अगर ट्रेडिंग अकाउंट का कोई डायरेक्ट नेचर का खर्चा है जैसे वेजेस वगैरह तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर इनडायरेक्ट खर्चा है जो भी खर्चा हो यहां खर्चा मतलब दोनों भी है इनडायरेक्ट भी डायरेक्ट भी कोई भी हो सकता है तो हमको एक तो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज द केस में भी उसमें डेबिट करना है और साथ ही साथ क्योंकि एक लाइबिलिटी है तो हमें साथ साथ इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड भी दिखाना है ठीक है अच्छा ये हो गया पॉइंट खत्म अगर गलती से आपको कंफ्यूज करने के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो ट्रायल बैलेंस में दे दे एडिशनल इंफॉर्मेशन में देने की जगह वो नीचे आपको ट्रायल बैलेंस में दे दे तो इसका मतलब क्या है ट्रायल बैलेंस में जब भी कोई चीज आ रही होती है इसका मतलब होता है कि उसकी कोई ना कोई हम अकाउंटिंग एंट्री पास कर चुके हैं तो ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखने का मतलब क्या है इट मीनस कि हमने ये वाली एंट्री ऑलरेडी पास कर रखी है मिनट देना इट इटमीन्स कि हमने ये वाली एंट्री ऑलरेडी पास कर रखी है इसलिए वो मेरे ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मैंने ऑलरेडी एक्सपेंस को डेबिट कर रखा होगा तो मेरा जो खर्चा ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा कोरस्पॉ खर्चा जो मेरा ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ होगा उसमें ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट इंक्लूडेड होगा तो इसमें मुझे दोबारा से पीएनएल में उसको दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस से मैं खर्चा लेके आऊंगा अपने पीएनएल में उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा इसका तो मुझे एक ही इफेक्ट देना होता है वो है क्या बैलेंस शीट में लाइबिलिटी ठीक है इसको क्लियर करने के लिए एक बार मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं आपको लिखना नहीं बस समझ लो तो अगर आपकी ट्रायल बैलेंस में सपोज एक डेबिट है एक क्रेडिट है तो एक तरफ वो आपको देता है सैलरी एक लाख की और दूसरी तरफ आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दे देता है सपोज कितनी लू ऐसी ले लेता तो दस हजार ठीक है तो इसका मतलब क्या है अगर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी तो बाहर दी होती अगर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी बाहर दी होती तो मैं इसके दो इफेक्ट लेता मैं सैलरी में गिवन सैलरी में एड करके पीएनएल में दिखाता और आउटस्टैंडिंग सैलरी को लाइबिलिटी साइड पर दिखाता लेकिन जब आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आ रही है इसका क्या मतलब है कि हम ऑलरेडी अपना सैलरी अकाउंट को डेबिट कर चुके होंगे हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी वाली एंट्री पास कर, कर चुके होंगे इसका मतलब सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा ये दस हजार का आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होगा तो मुझे दोबारा से सैलरी ऐड करने की जरूरत ही नहीं तो मैं इसमें क्या करूंगा मैं अपना जब पीएनएल बनाऊंगा तो पीएनएल में यहां पर जब मैं टू सैलरी लिखूंगा तो यहां मैं खाली एक लाख ही लेके जाऊंगा और जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो यहां पे मैं लाइवलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाऊंगा दस हजार की ठीक है तो ये रट मैं कोशिश करू की आप रटो ना तो आपको लॉजिक समझ आता जाए कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं है? हम ऐसा बोल क्यों रहे वरना अगर आप रटने लगे तो हमेशा ये दिक्कत रहेगी अगर लॉजिक समझ गए तो आपको कभी भी इसको दोबारा से देखना भी नहीं पड़ेगा आप अपने आप से वर्कआउट कर लोगे अपना दिमाग लगा के ठीक है, आई होप आप लॉजिक समझ गए कि मैंने ऐसा क्यों कहा आपसे राइट right? तो ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला पार्ट खत्म चलो जी करते रहते करके भी तो बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी है तो आराम आराम से हम करते रहेंगे थर्ड एडजस्टमेंट में आ जाओ प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस तो पहले मतलब बता देता हूँ प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है तो से रिलेट नहीं करता, है। प्रीपेड से रिलेट करता है। प्रीपेड है। वो करता अगले साल या आगे के साल से रिलेट करता है प्रीपेड जो में में इसी साल पे कर दिया लेकिन वो रिलेट करता है अगले साल से वो रिलेट करता है अगले साल से तो अब इसकी एंट्री क्या होती है तो पहले मैं आपको अकाउंटिंग एंट्री लिखवाता हूं तो फर्स्ट राइट द अकाउंटिंग एंट्री तो प्रीपेड एक्सपेंस जो खर्चा मैंने एडवांस में पे कर दिया है दिस दिस इज इज अ एन एसेट फॉर मी ये एक एसेट है मेरे लिए तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया क्योंकि एक एसेट है और कोरिस्पॉडिंगली मैं एक्सपेंस को कम करूंगा एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट तो एंट्री हो गई मेरी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट ये एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस की रिकॉर्ड करने की अच्छा आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हम एक्सपेंस को कम ही क्यों कर रहे हैं हम एक्सपेंस को क्रेडिट कर क्यों रहे हैं तो उसका रीजन ये है उसका रीजन ये है कि जब मैंने एडवांस में जब मैंने प्रीपे एक्सपेंस किया होगा सपोज मैंने आ, कौन सा खर्चा ले ले सपोज मैंने रेंट एडवांस में पे कर दिया सपोज मैंने रेंट एडवांस में पे करा तो जब मैंने रेंट पे करा होगा उस टाइम मैंने एंट्री पास कर दी होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो जब भी हम खर्चा पे करते हैं तो खर्चा पे करने की ये एंट्री पास करते हैं है ना अगर मैंने जब भी एडवांस ऑन एंट पे किया होगा तो मैंने ये एंट्री पास कर दी होगी यानी मैंने रेंट को खर्चे को डेबिट उस टाइम पे कर दिया होगा जब मैंने पे किया लेकिन क्योंकि ये रेंट जो मैंने पे किया है ये एडवांस रेंट है ये इस साल से रिलेट ही नहीं करता इसलिए जब मैं प्रीपेड रेंट या प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री पास करता हूं उस टाइम पे जो मैंने खर्चा गलती से पहले गलती से तो नहीं बोलूंगा लेकिन ओरिजिनल एंट्री में मैंने जो रिकॉर्ड कर दिया था अब मैं उसको कम कर देता हूं ताकि मेरे खर्चे का सही बैलेंस आ जाए ठीक है तो आपको इतना इंडेप्थ जाने की जरूरत नहीं आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री ये है ठीक है इसमें आप चाहे लिख सकते हो कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या है हमारे लिए ये एसेट है दिस इज एन एसेट इसलिए डेबिट हो रहा है अच्छा अब क्या आप इसके वर्कआउट कर सकते हो बिना रटे बिना इधर उधर देखे क्या आप अपना दिमाग लगा के वर्कआउट नहीं कर सकते कि इस एडजस्टमेंट का इसका क्या दो इफेक्ट होगा क्या दो जगह इफेक्ट लेंगे तो एक तो हम ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में से ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में से इसको क्या कर देंगे स्पेशल पैसे लिखो डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस ठीक है तो हम क्या कर रहे थे तो एक तरफ हमारा खर्चा कम हो रहा है हम एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहे हैं यानी खर्चा कम कर रहे हैं इसलिए जब हम अपना खर्चा उठाएंगे अपना ट्रायल बैलेंस में खर्चा उठाएंगे और अपने पीएनएल में डालेंगे उस खर्चे में से हम लोग इस प्रीपेड वाले पार्ट को माइनस कर देंगे ठीक है जी और कोरिस्पॉन्डिंगली क्योंकि एक एसेट है तो एसेट साइड पर हम इसको दिखा देंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा दिया हो गई बात खत्म तो ये हमारी दो एडजस्टमेंट हो गई अब साथ ही साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं अगर मेरा प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो क्या सर गिवन इन ट्रायल बैलेंस सो व्हाट नाउ हाउ विल बी डील विद इट तो ये अगेन आपको पागल बनाने के लिए दिया जाएगा ऑफ कोर्स है ना ये अगर इस तरह के एडजस्टमेंट जो जनरली एडिशनल इंफॉर्मेशन में देता है वो अगर वो ट्रायल बैलेंस में दे देगा दैट वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है तो आपको अपना लॉजिक क्लियर रखना है अगेन सेम बात है भाई प्रीपेड एक्सपेंस अगर मेरी एसेट साइड पे सॉरी मेरी ट्रायल बैलेंस में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि मैंने ये वाली एंट्री ऑलरेडी पास कर दी होगी तभी तो मेरा बैलेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में मैंने ये एंट्री पास कर दी तभी मेरा बैलेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में राइट तो अगर इसकी इसका मतलब यह है कि मैंने ये एंट्री जब मैंने पास कर दी तो मैंने एक्सपेंस को ऑलरेडी कम कर दिया है मैंने एक्सपेंस को ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है इसका मतलब मेरे जो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस आ रहा होगा वो ऑलरेडी कम होकर ही आ रहा होगा उसमें से प्रीपेड एक्सपेंस ऑलरेडी डिडक्टेड होगा

ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एक जगह इफेक्ट लो अब आपको दिख रहा होगा ऐसा हमने क्यों बोला था ठीक है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लॉजिक समझते हुए चल रहे होंगे तो ये भी खत्म आ जाओ जी थर्ड में थर्ड ही है ना सॉरी फोर्थ 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 एडजस्टमेंट में आ जाओ अक्रूड इनकम अक्रूड इनकम अब आपकी स्टडी मटेरियल में इसको आउटस्टैंडिंग इनकम लिखा हुआ है आपके स्टडी मटेरियल में इसको आउटस्टैंडिंग इनकम बोल रखा है लेकिन आउटस्टैंडिंग इनकम टेक्निकली एक गलत टर्म होती है इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग इनकम हम नहीं बोलते हम एक बोलते हैं ठीक है हालांकि मतलब वही है लेकिन टेक्निकल टर्म होती है हमारी इनकम इनकम तो accrued income का मतलब क्या है कि ऐसी इनकम जो हमने कमा तो दी करंट ईयर में जो हमारी करंट ईयर से रिलेट करती है और हमने कमा भी ली उसको लेकिन वो अभी हमें कैश में मिली नहीं वो अभी हमें मिलनी है तो उसको हम बोलते हैं इनकम जैसे कि इंटरेस्ट uh, बेस्ट जो आप कई बार देखते हो एक इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट जो मैंने कमा लिया जो एक मिला नहीं है।, तो उसको हम बोलते, है मिली नहीं है तो ये मेरे को मेरे लिए क्या है ये एसेट है ना क्योंकि इसके अगेंस्ट मुझे कुछ पैसा मिलने वाला है एसेट फॉर मी जब मैं एंट्री रिकॉर्ड करूंगा इसकी तो क्या करूंगा मैं सबसे पहले एसेट को यानी एक डेबिट कर दूंगा और क्रेडिट किसको करूंगा क्योंकि ये इनकम मेरे लिए करेंट ईयर का इनकम है तो मेरी इनकम करेंट ईयर में आनी चाहिए भाई देखो हम फॉलो कर रहे हैं का मतलब क्या है कि सारे खर्चे या इनकम जो करेंट ईयर से रिलेट करता है वो आप रिकॉर्ड करो इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो इनकम आपको रिलाईज हुआ है कि नहीं तो कोई इनकम जो मेरे करंट ईयर में मैंने कमाया है जो करेंट ईयर से रिलेट करता है तो वो मेरे को रिकॉर्ड तो करना चाहिए बस वो मिला ही तो नहीं है इसलिए मैंने कैश को डेबिट करने की जगह इनकम को डेबिट कर रखा है क्योंकि क्योंकि वो मुझे भी मिला नहीं ठीक है तो यहां पे क्या याद रखना है हमको कि इनकम हमारे लिए एक एसेट है इनकम एक एसेट है। ठीक है अब इसके बेसिस में अगर ये समझ आ गया हो तो क्या बिना किताब या इधर उधर देखे अपने आप से वर्कआउट कर सकते हो कि क्या इसकी दो एडजस्टमेंट होंगी तो एक तरफ देखो हम इनकम को बढ़ा रहे हैं इनकम को क्रेडिट कर रहे हैं इनकम क्रेडिट करना मतलब इनकम बढ़ाना तो हम अपना पीएनएल अकाउंट में एक तरफ पीएनएल <coughs> अकाउंट में हम एक तरफ इसको क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखा देंगे और एग्जिस्टिंग इनकम अगर को, 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 कोई कोई बैलेंस आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस में तो उसमें हम ऐड कर देंगे तो जैसे इंटरेस्ट इनकम का ट्रायल बैलेंस में कुछ अलग बैलेंस भी आ रहा होगा तो उस गिवन बैलेंस में हम लोग ऐड करके इसको दिखा देंगे तो शॉर्ट में बोल दिया पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे अब सर यहां मैंने खाली पीएनएल क्यों लिखा ऊपर मैंने खर्चों की जब बात करी थी तो मैंने ट्रेडिंग एंड पीएनएल लिखा था ट्रेडिंग या पीएनएल लिखा था लेकिन यहां मैंने सिर्फ पीएनएल लिखा क्यों क्योंकि जो भी यहाँ पे अक्रूड इनकम की बात होगी वो इनडायरेक्ट इनकम से रिलेट करेगा क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तो एक ही इनकम आती है वो होती है सेल्स उसमें तो सारी सेल्स आती है तो जो इनकम होगी जैसे इंटरेस्ट अक्रूड कमीशन अक्रूड जो भी इनकम होगी वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम ही होगी और इनडायरेक्ट इनकम आपकी सारी पीएनएल में जाती है इसलिए मैंने यहां पे खाली पीएनएल अकाउंट लिखा ठीक है जी चलो तो एक तरफ तो मैंने पीएनएल अकाउंट में एज इनकम इसको दिखा दिया और दूसरी तरफ मैं क्या करूंगा मैं इसको एसेट साइड दिखाऊंगा बैलेंस शीट में हो बैलेंस शीट लिखना है बैलेंस शीट में इसको मैं एसेट साइड दिखाऊंगा राइट right? तो ये हो गई मेरी दो एडजस्टमेंट अब सवाल अगेन वही उठा कि अगर मेरा इनकम ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो क्या करेंगे तो अब आपको क्या सोचने का तरीका समझ आ गया है क्या अब आपको सोचने का तरीका समझ आ गया है क्या मैं अब बिना बताए लिख दू तो क्या आप लोग समझ पाओगे तो मैं उम्मीद करता हूं समझ पाओगे फिर भी बोल देता हूं

तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे सारी चलो ये भी बात खत्म नेक्स्ट एडजस्टमेंट मूव करते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट तो जब एक बात कर ली तो अब हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल उल्टी बात खर्चों में भी हमने आउटस्टैंडिंग खर्चों और एडवांस uh, में पेड खर्चों की बात करी थी तो यहां पे भी हम इनकम में भी एक इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की बात करेंगे इनकम रिसीव इन एडवांस का मतलब पता होगा वैसे फिर भी डिस्कस कर लेता हूं इट मीन ऐसी इनकम जो मुझे एडवांस में मिल गई लेकिन वो करेंट ईयर से रिलेट नहीं करती मुझे खाली एडवांस में मिल गया है पैसा लेकिन वो करेंट ईयर का इनकम नहीं है वो अगले साल का इनकम है तो ये हो गया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मेरे लिए क्या है मेरे एक, मेरे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि उस एडवांस इनकम के अगेंस्ट अभी मुझे कुछ करना है मुझे अभी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है ठीक है तो जो भी इनकम है जो, जो जिससे भी रिलेट करता है वो अभी काम मुझे अभी करना है तो मेरी एक ऑब्लिगेशन है अभी तो मेरे लिए ऑब्लिगेशन होने का मतलब दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर मी अब लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करते हो आप लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हो तो आप क्या लिख दोगे लाइबिलिटी को क्रेडिट करने का मतलब टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आप लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर दोगी ये क्या है लाइबिलिटी आप लिख लो चाहे तो दिस इज अ लाइबिलिटी अच्छा अब क्योंकि जब ये इनकम मुझे रिसीव हुई होगी तो मैंने उस टाइम इनकम को क्रेडिट कर दिया होगा उस टाइम मैंने अपनी इनकम की तरह उसको दिखा दिया होगा लेकिन क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम है नहीं तो मुझे इनकम को कम करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा मैं इनकम को कम करने के लिए इनकम को डेबिट कर दूंगा जो भी इनकम ठीक है तो सेम जैसे प्रीपेड एक्सपेंस में मैंने बोला था कि जब मैंने प्रीपे किया एक्सपेंस तो मैंने एक्सपेंस अकाउंट अकाउंट डेबिट टू तो कैश कर लिया था तो सिमिलरली जब मुझे इनकम एडवांस में मिली सपोज मुझे कमीशन एडवांस में मिला तो जब मुझे कमीशन मिला होगा तो मैंने बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू तो, कमीशन अकाउंट कर दिया होगी उस टाइम एंट्री लेकिन जो कि की कमीशन करेंट ईयर की इनकम है ही नहीं वो तो अगले साल की इनकम है तो इसलिए अब मुझे कमीशन को रिवर्स करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा तो इसलिए मैं इनकम को कम करने के लिए डेबिट कर देता हूं और एक कोरिस्पॉन्डिंगली लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर देता हूं इनकम रिसीव इन एडवांस ठीक है अगर ये समझ आ गया आपको तो क्या वर्कआउट कर सकते हो कि इसके क्या दो इफ़ेक्ट्स होंगे हम इसके क्या दो इफ़ेक्ट्स लेंगे एक तो हम लेंगे पीएनएल अकाउंट में पीएनएल अकाउंट में क्या करेंगे जो भी है इनकम दी हुई है उसमें से डिडक्ट कर देंगे तो डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम क्योंकि इनकम हम लोग कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग बैलेंस शीट में इसको लाइबिलिटी साइड पे दिखा देंगे हो गई हमारी दो एडजस्टमेंट्स अच्छा अगर मैंने ये बात कर ही ली तो बताओ भाई अगर आपको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ट्रायल बैलेंस में गिवन हो गिवन इन ट्रायल बैलेंस तो क्या नाउ तो क्यू की इनकम रिसीव इन एडवांस ट्रायल बैलेंस में गिवन है इसका मतलब क्या मैं इंटरप्रेट करूंगा कि मैंने ये वाली एंट्री ऑलरेडी पास कर दी ये वाली एंट्री पास करने का मतलब मैंने इनकम ऑलरेडी कम कर दी इनकम ऑलरेडी कम करने का मतलब कि मेरी ट्रायल बैलेंस में जो इनकम दिख रही होगी इनकम का जो भी बैलेंस दिख रहा होगा उसमें से ये एडवांस वाली इनकम ऑलरेडी मैं माइनस कर चुका हूं डिडक्ट कर चुका हूं तो क्या मुझे दोबारा से पीएनएल में उसको डिडक्ट करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है जब मैं ऑलरेडी कर चुका हूं तो मैं दोबारा क्यों डिडक्ट करूंगा तो क्या मैं पीएनएल में डिडक्ट करके दिखाऊंगा नहीं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा मैं सिर्फ बैलेंस शीट शीट में में दिखाऊंगा भाई बैलेंस तो दिखाना पड़ेगा ना बैलेंस शीट में तो दिखाना पड़ेगा तो इसको बैलेंस शीट में मैं लाइबिलिटी साइड में दिखा दूंगा मेरी कहानी खत्म ठीक है जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा अब हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जा रहे हैं

तो ये तीनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि तीनों की तीनों जो है वो डेटर से रिलेट करती है तो कहीं कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक्ड होती है और इसके जब क्यूमुलेटिवली अगर हमको जब करनी होती है इसके एडजस्टमेंट तो इस पर हमें थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना पड़ता है तो इसलिए हम इसको साथ साथ ही पढ़ रहे हैं ठीक है थीके? तो पहले मैं इंडिविजुअली बता देता हूं कि इनकी क्या एंट्रीज वगैरह होती है तो लिखना फर्स्ट एरो लिखना तो पहले हम लोग बैड डेट्स की बात करते हैं तो बताओ भाई बैड डेट्स की क्या एंट्री होती है बैड डेट्स की एंट्री होती क्या है क्या आप लोगों को पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हो पता होना चाहिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट यही एंट्री होती है

पीएनएल में डेबिट साइड क्योंकि ये एक नुकसान है और कोरिस्पॉन्डिंगली डेटर मेरे कम हो रहे तो मैं इसको बैलेंस शीट में क्या करूंगा एसेड साइड में डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स ठीक है हो होगी हमारी एक बात अगर बैड डेट्स मेरे इफ बैड डेट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस तो बैड डेट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अगर बैड डेट्स मेरे ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो मैंने ये ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर रखी होगी ये वाली एंट्री मैंने ऑलरेडी पास कर रखी होगी तभी मेरे बैड डेट्स

लेकिन बैड डेट एक नुकसान है तो इस नुकसान को मेरे को पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा तो इसकी सिंगल एडजस्टमेंट क्या होगी डेबिट इन पीएनएल बस एक ही है इसकी एडजस्टमेंट होगी ठीक है जी तो ये हो गई बैड डेट्स की बात अगली बात करते हैं हम किसकी एडजस्टमेंट नंबर हमारा कौन सा है सेवन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रोविजन फॉर doubtful डेट तो देखो भाई प्रोविजन की जब भी हम बात करते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हमारे प्रोविजन हम बनाते हैं प्रोविजन हम साल के बीचों बीच कभी नहीं बनाते प्रोविजन हमारे साल के बीचों बीच कभी नहीं बनते ये बिल्कुल एंड में साल के अंत में फाइनल अकाउंट बनाते वक्त ही बनते हैं ठीक तो तो है तो जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में बनाऊंगा तो देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो लाइबिलिटी लेकिन ये मैं साल के अंत में ही बनाता हूं इसको मैं पीएनएल से ही डायरेक्टली बनाता हूं तो इसकी एंट्री ही बनती है प्रोविजन बनाने की पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ठीक है तो हमेशा ये साल के अंत में ही बनता है जो क्लोजिंग डेट होती है उस टाइम भी बनता है तो ये मेरी एंट्री बन जाती है ठीक है ओके तो अब बताओ इसके एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे अगर हम साल में कोई प्रोविजन बना रहे हैं तो उसकी हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे दूसरी साइड प्रोविजन फॉर डेट्स लिख लो ये होती लाइबिलिटी है ये मैं वैसे पहले भी लिखवा चुका था जब मैंने ओपनिंग एंट्री एंट्री की बात करी थी स्टार्टिंग में बट मैं यहां पे भी लिखवा देता हूं दिस इज अबी बट इसको हम लोग बैलेंस like शीट में लाइबिलिटी साइड नहीं दिखाते इसको हम लोग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड नहीं दिखाते हालांकि टेक्निकली दिस इज अबिलिटी बट हम इसको लाइबिलिटी साइड नहीं दिखाते हम इसको एसेड साइड में डिडक्ट कर देते हैं फ्रॉम डेटर्स डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स प्रेजेंटेशन के लिए हमारे डेटर्स जो आते हैं वो नेट ऑफ प्रोविजन ही आते हैं ठीक है हालांकि इसको अगर आप लाइबिलिटी साइड भी दिखा दोगे तो इतना कोई गलत नहीं होगा और आपकी बैलेंस शीट हमेशा मैच ही करेगी अगर आप इसको इस साइड लाइबिलिटी दिखाओ बट एक एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट होता है एक एक्सेप्टेड प्रेजेंटेशन होती है है इसकी कि हम इसको डेटर्स में से माइनस करके दिखाते हैं ठीक तो एक स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड एक प्रेजेंटेशन है जिसको हम लोग यहां फॉलो करने की कोशिश करते हैं अच्छा अब सवाल उठा अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है तो उसका क्या मतलब तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो क्या मतलब तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्रोविजन जो करंट ईयर में बनता है वो साल के अंत में ही बनता है ये वाली एंट्री के थ्रू ठीक है तो कोई और एंट्री नहीं होती इसकी तो अगर मेरा तब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं है कि हमने साल के दौरान बीच में कहीं ना कहीं बनाया होगा इसका मतलब क्या है इट इटमीन्स कि ये ओपनिंग बैलेंस है इट इटमीन्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन तो करंट ईयर में कोई सेपरेट एंट्री नहीं पास कर रखी हमने इस प्रोविजन के लिए ये बस एक ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन का जो लास्ट ईयर से हम कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर ठीक है तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है और एडिशनल इंफॉर्मेशन से इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ईयर में हमें प्रोविजन तो बनाना ही नहीं तो हम इसको अपने एडजस्टमेंट uh, में क्या करेंगे हम सिर्फ इसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे एसेट साइड में डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका ट्रायल बैलेंस में होगा तो कभी ऐसा होगा नहीं कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ देना वो एडिशनल में कुछ ना कुछ चीज होगी जिसकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जो हम अभी थोड़ी देर में आगे जाके सीखेंगे इसी में ठीक है वो क्या होगी वो मैं आगे सिखाऊंगा उसमें हमें तीनों एडजस्टमेंट को साथ साथ कवर करना है तो इसलिए मैं उसको एक साथ दिखाऊंगा लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं अब आपके स्टडी मटेरियल में आई थिंक यहाँ पे गलत चीज दे रखी है अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उन्होंने उल्टा कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको इग्नोर कर देना अगर आपके स्टडी मटेरियल में आपको कुछ और दिख जाता है दिस इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ठीक है ये बिल्कुल लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल इंटरप्रिटेशन है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है ओके अगली एडजस्टमेंट क्या है हमारी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ठीक है अभी मैं सारी कैलकुलेशन वगैरह पे चर्चा करूंगा इसके ऊपर मैं डिटेल चर्चा करूंगा क्योंकि ये जो आपके एडजस्टमेंट है ये आपको फाइनल अकाउंट्स के साथ साथ पार्टनरशिप पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी यूज हो जाती है ठीक है तो इसकी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे तो अभी चिंता नहीं करना अभी पहले मैं सिर्फ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट्स लिखवा रहा हूं को कि इसकी हमें क्या ट्रीटमेंट करनी होती है तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स Yeah. अच्छा अब इसकी एंट्री क्या होती है एंट्री लिखवा देता हूं पहले तो अगेन देखो ये भी प्रोविजन है ये भी प्रोविजन बन रहा है ऑन डिस्काउंट और डिस्काउंट ऑन डेटर्स ठीक है तो सेम बात है प्रोविजन है तो प्रोविजन कभी साल के बीचों बीच हम नहीं बनाते प्रोविजन हम हमेशा अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाते हैं तो इसकी भी जो जनरल एंट्री होगी बिल्कुल सेम होगी पी एन एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन debtor's अकाउंट ठीक है तो बिल्कुल सेम वे में बिल्कुल सेम चीज है यहां पे भी जो प्रोविजन हम लिख रहे हैं ये लाइबिलिटी है बाई नेचर दिस इज अबिलिटी राइट तो ये हमारा एंट्री uh, हो जाती है इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है हो? सब मैं आगे जाके चर्चा करूंगा चिंता नहीं करनी अभी सिर्फ मैं एडजस्टमेंट की डिस्कशन कर रहा हूं तो जब मैं ये एडजस्टमेंट लिख रहा हूं जब मैं ये एडजस्टमेंट लिख रहा हूं तो अब इसके दो इफेक्ट क्या होंगे तो बिल्कुल इसके सेम इफेक्ट होंगे जो आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में लिखे तो एक तो देखो डेबिट इन पीएनएल पीएनएल डेबिट हो रहा है तो क्लियरली दिख रहा है एंट्री में तो डेबिट इन पीएनएल तो पीएनएल के इसको हम डेबिट साइड पर दिखा देंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड में डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स एसेड साइड में डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स तो बिल्कुल ठीक जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की हमने ट्रीटमेंट करी बिल्कुल डिटो सेम यहां पर ट्रीटमेंट होगी राइट अच्छा यहां पर भी सेम चीज अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर्स आपको गिवन हो इन ट्रायल बैलेंस तो क्या मतलब हुआ तो क्या मतलब हुआ तो याद वही रखना है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपका हमेशा साल के अंत तो में बनता है अगर ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है तो इसका मतलब सेम चीज है कि ये करंट ईयर में कोई प्रोविजन नहीं बनाया हमने ये पिछले साल का प्रोविजन कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा होगा तो सेम चीज है ये इसका मतलब कि ये ओपनिंग बैलेंस है लेकिन मैं आपको बता देता हूं ऐसे क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कभी होगा कि आपको एक ट्रायल बैलेंस में नजर आएगा कोई ना कोई आपको अलग से नीचे एडजस्टमेंट दी होगी जिसके हम लोग आगे जाके चर्चा करेंगे तो कभी आपको इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चिंता नहीं करना लेकिन फिर भी मैं एग्जॉस्टिवली सब कुछ लिखवा रहा हूं <coughs> ताकि बाद में कोई दिक्कत ना रहे राइट तो अगर ये ओपनिंग बैलेंस है और सपोज इसके एडजस्टमेंट वगैरह कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कोई भी कहानी नहीं दी हुई तो ये मतलब ये हमको क्लोजिंग में भी एज इट इज लेके जाना है तो करेंट में कोई प्रोविजन नहीं बना रहे हम तो पीएनएल में कोई भी चीज नहीं आएगी खाली हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे सेम वही एसेट साइड पे एज डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स तो बिल्कुल इसकी ट्रीटमेंट आपकी डाउटफुल डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की तरह होगी डिडक्शन फ्रॉम डेटोस ठीक है तो ये तो मैंने आपके साथ इंडिविजुअली सेपरेट ट्रीटमेंट दिखाई आपको तीनों की लेकिन आपको जो एक्चुअली में सीखना है वो है ह्यूमिलेटिव या कंबाइंड एप्लीकेशन ऑफ एडजस्टमेंट सिक्स ऑफ एडजस्टमेंट सिक्स सेवन एंड एट ये आपको एक्चुअली में सीखना है कि तीनों को क्यूमुलेटिवली कंबाइंड वे में हम कैसे ट्रीट uh, करते, करते तो चर्चा करूंगा ठीक है डाल के लिखना इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा आप लिखना इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले इसमें नोटिंग कर लो सब चीजें आपको समझ आएगी अच्छे से कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो लिखना इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स में लिखना फर्स्ट लिखना ओल्ड प्रोविजन ब्रैकेट में लिखना ओपनिंग इसका मतलब क्या हुआ है ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ठीक है इसको आगे लिख लेता हूं पूरा लिख लो बाद में कंफ्यूजन होगी नहीं तो ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ठीक है मैं डाउटफुल डेट्स की बात कर रहा हूं इसका मतलब है ओपनिंग इसका मतलब क्या है प्रोविजन गिवन इन ट्रायल ठीक है तो ओल्ड प्रोविजन मतलब ओपनिंग प्रोविजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जो ट्रायल बैलेंस में आपको प्रोविजन के बना होता है ये बेसिकली आपका ओपनिंग प्रोविजन होता है सेकेंड लिखना न्यू प्रोविजन वही डाउटफुल डेट सी बात कर रहे इसको ब्रैकेट में लिख लेना क्लोजिंग इसका मीनिंग लिखना प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ करेंट ईयर ठीक है थर्ड लिखना एग्जिस्टिंग ओब्लीक ओल्ड बैड डेट्स इसका मतलब क्या हुआ बैड डेट्स

इसमें लिखना मतलब बेड डेट्स गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस एज एडिशनल इंफॉर्मेशन ठीक है <coughs> तो पहले ये नोट करना पहले नोट करना नेक्स्ट आर डाल के लिखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट इसका मैं फॉर्मेट बना देता हूं एक मिनट देना तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का फॉर्मेट बनाना है इसका अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है तो लिखना पहले बाय बैलेंस बी ब्रैकेट में लिखना ओपनिंग ओपनिंग प्रोविजन यानी ये वाला जो ये मैंने आपको लिखवाया ये जो ओपनिंग प्रोविजन होता है जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है ये हमारा ओपनिंग है तो इसलिए यहां पे आ जाता है बिकॉज दिस इज बेसिकली एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ अ लाइबिलिटी सिंपली ठीक है फिर यहां लिखना टू बैलेंस टू बैलेंस टू बैलेंस का मतलब क्या है तो पहले ब्रैकेट में लिख लो ये क्या है ये है क्लोजिंग प्रोविजन क्लोजिंग प्रोविजन यानी ये जो मैंने ये वाला लिखवाया ये प्रोविजन टू बी मेंटेन एट द एंड ऑफ करेंट ईयर की क्लोजिंग में मेरी कितनी प्रोविजन होनी चाहिए अब इसकी कैलकुलेशन होती है जो आपको लिखनी है तो इसकी मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं इसका फॉर्मूला लिखना ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला लिखना या एक काम करो यहां मत लिखो यहां खिचड़ी पक जाएगी इसको मैं नीचे लिखवा देता हूं थोड़ा साफ लगेगा तो इस पर आप स्टार मार्क कर लो और नीचे इसका मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं आप भी नीचे लिख लेना नहीं तो यहां खिचड़ियां पक जाएंगी कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन इसका फॉर्मूला लिखना कैसे निकलता है? डेटर्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस माइनस फर्दर बैड डेट्स ध्यान से लिखना फर्दर बैडेट ठीक है तो फर्दर पे मैं हाईलाइट कर देता हूं आप लोग केयरफुली लिखना फर्दर बैडेट्स इंटू रेट अपॉन हंड्रेड इंटू रेट अपॉन हंड्रेड कितने परसेंटेज है परसेंटेज आपको बेसिकली क्वेश्चन में गिवन होगा तो यहां आपको दिमाग नहीं मारना तो ये आपका फॉर्मूला हो गया ऑफ कैलकुलेटिंग क्लोजिंग प्रोविजन ठीक है जो कि यहां पे आ जाएगा ठीक है अभी लॉजिक वॉजिक सब समझ आ जाएगा चिंता मत करना अभी सिर्फ लिखते रहो फिर आप यहां लिखो टू बैड डेट्स टू बैड डेट्स और इसके ब्रैकेट में लिखना इसके ब्रैकेट में लिखना एग्जिस्टिंग प्लस फर्दर ठीक है ध्यान से ठीक है तो यहाँ आपके सारे बैड डेट्स ट्रांसफर हो जाते हैं चाहे वो ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्टिंग बैड डेट्स हो चाहे वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नए बैड डेट्स दे तो ये आपका पहले इतना अकाउंट बनता है इतना अकाउंट बनता है सबसे पहले आप अपने ओपनिंग बैलेंस डालना है फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस डालना है क्लोजिंग बैलेंस की कैलकुलेशन ऐसे होती है फिर आपको बैड डेट्स ट्रांसफर करने हैं बैड डेट्स हम क्यों यहां ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना ही किस ले रहे हैं बैड डेट्स को कवर करने के लिए बना रहे हैं इसलिए हम जो भी सारे बैड डेट्स होते हैं हमारे प्रोविजन में ही ट्रांसफर कर, कर देते हैं उसी के थ्रू एडजस्ट कर देते हैं ठीक है तो यहां हमने सारा चीज कर दिया अब हमारा क्या होगा इतना कारनामा करने के बाद यहां पर एक क्लोजिंग या बैलेंसिंग फिगर बचेगी इसी को हम बोल देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसी को हम बोलते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है तो मैं एग्जाम्पल सारी चीजें समझाऊंगा सब समझ आ जाएगा सिर्फ नोटिंग करते रहना आपको ठीक है जी तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या है यह आपका हो जाता है डेबिट इन पी एन एल जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो आपको ये ही डेबिट करना है इन पी एन एल ठीक है अब आप लिखना एक Note Note When above provision account is prepared, do not debit bad debts in pnl as <clears throat> as balancing figure calculated would include bad debts also जी ये हो गई बात एक और नोट लिखो एक और नोट लिखो ए बैलेंसिंग फिगर अपियर्स ऑन डेबिट साइड इंस्टेड ऑफ क्रेडिट साइड Then it is a case of excess provision <clears throat> which will be reversed by crediting. को ठीक है तो ये मैं बता देता हूं आपको ये मैंने बोला कि अगर आपका बैलेंसिंग फिगर वैसे मैंने आपको बोला इधर ही आ रहा होगा मोस्टली इधर ही आता है बट अगर कभी गलती से यहां पे बैलेंसिंग फिगर बच जाए तो इसका मतलब क्या है यहां बैलेंसिंग फिगर बचने का मतलब कि हमने ज्यादा प्रोविजन बना रखा है जो अभी तक हमारे पास प्रोविजन है वो ज्यादा बन रखा है तो हम उस प्रोविजन को यहां पे राइट ऑफ कर देंगे या रिवर्स कर देंगे तो हम यहां लिख देंगे 2 पीएनएल और ये अकॉर्डिंगली पीएनएल के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा ठीक है तो बस ये चीज लिखी हुई है तो यहां पे खिचड़ियां पकाने की जरूरत नहीं है ये मैंने आपको नोट फॉर्म में लिख दिया कि गलती से अगर आपको कभी दिख जाए तो चलो जी अभी मेरी चर्चा खत्म नहीं हुई अभी मेरी चर्चा खत्म नहीं, नहीं हुई अब लिखो आप mm -hmm. अब लिखना आप कैलकुलेशन ऑफ नेक्स्ट के कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड टू बी क्रिएटेड अगर आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी क्रिएट करना हो तो आप कैसे क्रिएट करोगे तो उसका एक काइंड ऑफ फॉर्मेट लिख लो डेटर बैलेंस ब्रैकेट में लिखना गिवन इन ट्रायल बैलेंस लेस फर्दर बैड डेट्स लेस further bad बैड डेट्स लेस क्लोजिंग प्रोविजन ठीक है तो ये सब करने के बाद आपका कुछ बैलेंस बचेगा जिसको मैंने बोल दिया गुड डेटर्स अच्छे डेटर्स इसको मैं डिनोट कर देता हूं बाय ए ठीक है इसको हम डिनोट कर देते हैं ए से तो नीचे लिखना अब प्रोविजन टू बी क्रिएटेड इज इक्वल टू ए इन टू रेट अपॉन हंड्रेड तो डिस्काउंट का जो रेट दे रखा होगा वो भी क्वेश्चन में ही गिवन होगा आपको तो इससे मल्टीप्लाई करके आपको लिख लेना है ठीक है तो अभी मैं एक एग्जांपल कराऊंगा जिसमें सब क्लियर हो जाएगा सिर्फ अभी मैं नोटिंग करा रहा हूं आप लोगों ओके लास्ट आप लिखना डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट एक चीज याद रखना ये जो हमने निकाला ना प्रोविजन टू बी क्रिएटेड वैसे ऊपर हम लिख चुके बट इसको हम लोग पीएनएल में डेबिट करेंगे ठीक है तो वैसे ऊपर लिखवा चुका हूं मैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की ट्रीटमेंट में हम लिख ही चुके हैं बट ये आप याद रखना पीएनएल में इसको हम डेबिट कर देंगे ठीक है ओके okay. अब लास्ट लिखना डिस्कलोजर इन बैलेंस शीट इतनी सारी चीजें होने के बाद भाई हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे चीजों को तो आप एक फॉर्मेट बना लो एक्सट्रैक्ट बना लो बैलेंस शीट का बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एसेट एक एक साइड को थोड़ा बड़ा रखता हूं ठीक तो है तो यह मेरी लाइबिलिटी साइड है ये मेरी एसेट साइड तो आपको कैसे बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना है तो लिखना डेटर्स ब्रैकेट में लिख लो ट्रायल बैलेंस वाले माइनस परजर बैड डेट्स माइनस क्लोजिंग प्रोविजन तो ये सब करने के बाद मेरे गुड डेट्स आ जाएंगे गुड डेटर्स आ जाएंगे इसमें से आप माइनस करना प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन डेटर्स फाइनली आपकी फाइनल फिगर आ जाएगी बैलेंस शीट में ठीक है तो ये पहले कॉन्सेप्ट लिखना अभी आपको लग रहा होगा आपने बहुत कुछ टेक्निकल लिख लिया लेकिन मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल कराने वाला हूं उस एग्जाम्पल में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा ठीक है सारी चीज समझ लेंगे उस एग्जाम्पल के एक एग्जाम्पल की हेल्प से ठीक है ठीके? तो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल करवाता हूं अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ये लिखने के बाद आ जाना आप एग्जाम्पल <coughs> लिखते हैं एक मुझे पूरा भरोसा आपको उस एग्जाम्पल से चीजें समझ आ जाएंगी तो तसल्ली से लिखना एग्जाम्पल मैंने के लिए आपके लिए क्वेश्चन बना के रखा हुआ है यह समझाने के लिए एक मिनट देना इसको मैं चलो जी तो लिखना ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस एक्स्ट्रैक्ट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एक छोटा सा मैं ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दे रहा हूं आपको बनाते रहना लिखते रहना मेरे साथ साथ इसमें लिखना सबसे पहले डेटर्स एक लाख फिर लिखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ठीक है तो ये आएगा कौन से हेड के नीचे कौन से बैलेंस के नीचे क्रेडिट बैलेंस के नीचे ये कितना दे रखा है सात हजार फिर लिखना बैड डेट्स पांच हजार ठीक है तो बस एक मैं एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं तो टोटलिंग नहीं कर रहे कोर्स टोटल तो मैच नहीं करेगा खाली खाली हमारा ये एक, एक एक्सट्रैक्ट है ठीक है जी ओके फिर नीचे लिखना एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन लिखना फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कितने दे रखे हैं छह हजार के सेकेंड इंफॉर्मेशन दे रखी है मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ टेन परसेंट ठीक है और थर्ड इंफॉर्मेशन दे रखिए क्या क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन debtors एट द रेट ऑफ सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है रिक्वायरमेंट क्या है शो एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट As on 31st March 2022. So this is a conceptual question concept तो उम्मीद करता हूं आपने नोटिंग कर ली होगी अब आप लोग मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट समझना भी और इस पर कैलकुलेशन भी करना तो सबसे पहली बात मैं अपना फुल स्क्रीन हटा देता हूं जब भी आपको इस तरह का सवाल दिखे जिसमें आपको सारी चीजें दिख जाए या बहुत सारी चीजें एक साथ दिख जाए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो बैड डेट्स की भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो और खुदा ना साथ में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की भी इन्फॉर्मेशन हो तो फिर आपको काम कैसे कैसे करना होता है तो ऐसे केस में बेस्ट तरीका ये रहता है आ, कि आप एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बना दो हालांकि बिना अकाउंट बनाए भी बनाए भी काम आप कर सकते हो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बट बेस्ट होता है सबसे इजी तरीका मुझे जो लगता है वो है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एक अकाउंट बना दो वर्किंग uh, नोट में ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम कैसे बनाएंगे यहां पे तो आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाना समझते भी रहेंगे बनाते भी रहेंगे सॉल्व भी करते रहेंगे मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूं कि इससे आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से ये मैं एक घटिया सा गंदा सा अन सा और फॉर्मैट बना रहा हूं आप लोग तो ऑफकोर्स साफ साफ बनाना ठीक है जी चलो इसको ऊपर तक एक्सटेंड कर देते हैं तो ये बन गया मेरा एक फॉर्मेट तो पूरा अपना एक लेजर है बेसिकली और कुछ नहीं चलो ये डेबिट वी क्रेडिट

कोई भी लाइबिलिटी अकाउंट जब आप बनाते हो तो यहीं पे लिखते हो सिंपल है ओके okay. इसके अलावा फिर आप क्लोजिंग बैलेंस भी लिखोगे टू बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी अब इस क्लोजिंग बैलेंस की हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है इस क्लोजिंग बैलेंस की कैलकुलेशन हमको करनी पड़ती है

इसमें से हम लोग फर्दर बैड डेट्स माइनस करते हैं फर्दर बैड डेट्स का मीनिंग लिखवाया लिखवाया मैंने आपको आपको यहां पे वो वाले बैड डेट्स जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखे हो यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे हो तो उसमें से हम लोग फर्दर बैड डेट्स माइनस करते हैं और फिर हम गिवन रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है तो एक बार फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते हैं और फिर इसका लॉजिक भी बताता हूं मैं आपको सिंपल लॉजिक है बहुत कोई भी दिक्कत नहीं है तो आपको डेटर्स का क्या बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में एक लाख तो वन लाख माइनस फर्दर बैड डेट्स कितने फर्दर बैड डेट्स लेना जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे छह हजार के ये रहे इंटू टेन परसेंट इंटू टेन परसेंट ठीक है तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से आएगा 9400 फोर हंड्रेड ठीक है तो एक लाख माइनस छह हजार बचे 94000 फोर थाउजेंड उस पर दस परसेंट निकाला तो बचा नाइन्टी फोर हंड्रेड ठीक है ओके अब सवाल उठा इसका लॉजिक क्या है इस फॉर्मूले के पीछे के क्या रीजनिंग है तो आप एक बात समझो कि इस फॉर्मूले में हमने सिर्फ फर्दर बैड डेट्स क्यों हटाए हमने प्रोविजन जो बनाया डेटर्स पे वो कैलकुलेट करने के लिए हमने सिर्फ फर्दर वाले बैड डेट्स क्यों हटाए ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स क्यों नहीं हटाए क्योंकि इसके पीछे का रीजन है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो बैड डेट्स आपको गिवन होते हैं इन द ट्रायल बैलेंस

हो चुके हैं डिडक्ट हो चुके हैं ठीक है तो एक लाख में से जो पांच हजार के बैडडेट हैं ऑलरेडी एडजस्टेड है, है। इसलिए दोबारा से माइनस करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी माइनस हो रखे हैं हाँ लेकिन जो फर्दर बैडेट्स होते हैं हमारे जो बाहर दिए होते हैं इसकी हमने कोई भी एंट्री पास नहीं कर रखी होती यानी ये अभी हमारे डेटर में से कम नहीं हुए हो होते इसलिए हमें जब प्रोविजन की कैलकुलेशन करनी होती है तो सिर्फ हमें वो बैडेट्स लेने होते हैं जो माइनस नहीं हुए अभी है ना

डेट्स डालने होते हैं और यहां पे जो डेट्स हम डालते हैं वो हम सारे डालते हैं चाहे वो एग्जिस्टिंग हो ट्रायल बैलेंस वाले हो पांच हजार चाहे वो एक न्यू बेडेट हो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हो यानी छह तो ये कितना आ रहा है टोटल ग्यारह सौ ठीक है तो यहां हमें सारे डेट्स लेने क्योंकि भाई सारे डेट्स तो डेट्स है तो डेट्स हम लोग प्रोविजन से ही एडजस्ट करते हैं क्योंकि प्रोविजन बनाई हमारे डेट्स की वजह से प्रोविजन हमने बनाया ही बैड डेट्स के लिए तो चाहे पुराने प्रोविजन हो एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्डेड है चाहे नए प्रोविजन आ रहे हो हम चाहे नए बैड बैड डेट्स आ रहे हो हमें सारे डेट्स को प्रोविजन में से एडजस्ट करना होता है ठीक है चलो तो ये हो गया तो अब अगर मैं अकाउंट का टोटल करूं तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है बीस हजार चार सौ बीस हजार चार सौ ठीक है तो अब देखो मेरा बैलेंस कहां बच रहा है इधर बैलेंस बच रहा है तेरह हजार चार सौ का तो इसको मैं बोल देता हूं बाय पी एन एल बाय पी एन एल पहले आप इतना क्लियर हो जाओ कि मैं पीएनएल में कितना अमाउंट डेबिट करूंगा तेरह हजार चार सौ तेरह हजार चार सौ ठीक है तो फर्स्ट इतना हमारा पार्ट क्लियर हो गया इतना पार्ट क्लियर हो गया मैं उम्मीद कर रहा हूं चलो अब सेकंड आ जाते हैं हम लोग सेकंड चर्चा है मेरी प्रोविजन और डिस्काउंट

इसमें से फिर मैंने आपको लिखवाया क्या फर्दर बैड डेट्स माइनस करने बोला देखना आपने फॉर्मूले में फर्दर बैड डेट्स हम माइनस कर तो फर्दर बैड डेट्स नए बैड डेट्स कितने के हैं छह हजार रुपए के हैं उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करो क्लोजिंग प्रोविजन यानी ये वाला प्रोविजन जो आपने कैलकुलेट किया है अपनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्लोजिंग बैलेंस जो आपने कैलकुलेट किया है उसको माइनस करो तो ये कितना कैलकुलेट किया था नौ तो एक बार ये सारी चीजें माइनस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारा तो एक लाख माइनस छ हजार माइनस नौ हजार चार सौ तो दिस इज कमिंग आउट टू बी एटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसको हम बोलते हैं गुड डेटर्स गुड डेटर्स ठीक है तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमारा इस वाले अमाउंट में निकलता है इस गुड डेटर्स के अमाउंट पर निकलता है अब ऐसा क्यों अब ऐसा क्यों लॉजिकली सोचना लॉजिकली सोचोगे तो सब समझ आ जाएगा तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पहले है क्या ये समझ लो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वो है वो प्रोविजन बना रहे हम डिस्काउंट का कि हमें लगता है कि कल को हम डेटर्स को कुछ कैश डिस्काउंट देंगे तो यहां पे जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की बात होती है ये हम बेसिकली किसकी बात करते हैं हम कैश डिस्काउंट की बात करते हैं तो यहां हम लोग कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो कैश डिस्काउंट भाई हम अपने डेटर्स को कब देते हैं जब वो हमें टाइमली या अर्ली पेमेंट कर देता है अपने ड्यूज के तो उसको हम कैश डिस्काउंट देते हैं तो हम बेसिकली ऐसे डेटर्स निकालना चाहते हैं जिन डेटर्स पे हमें लगता है कि टाइमली पेमेंट हमें आ जाएगी समझो बात को हम उनी डेटर्स पे तो डिस्काउंट का प्रोविजन बनाएंगे जिस पे हमें लगता है कि हमें टाइमली पेमेंट आ जाएगी तो अब मेरे टोटल डेटर्स तो एक लाख रुपए के हैं टोटल डेटर्स तो लाख लाख रुपए रुपए के के हैं बट क्या ये पूरे के पूरे एक मुझे मिलने वाले हैं देखो जरा एक लाख में से छह हजार के तो मेरे नए बैड डेट्स हो गए जो मेरे नए बैड डेट्स हो गए तो जो बैड डेट्स हो गए वो तो पैसा मुझे मिलने ही नहीं वाला तो जो छह हजार के बैड डेट्स मेरे नए हो गए तो क्या मैं तो इस पर कोई डिस्काउंट दूंगा जो पैसा मुझे मिलने ही नहीं वाला उस पर मैं डिस्काउंट क्यों दूंगा उस पर डिस्काउंट की बात क्यों करूंगा छह हजार रुपए पे मैंने कोई भी डिस्काउंट नहीं देना इसलिए मैंने पहले तो रुपए माइनस कर दिया अब यहां पे भी वही सवाल उठा सर जो एग्जिस्टिंग पांच हजार का बैड डेट है ये भी तो हमें नहीं मिलने वाला तो इसको भी तो हटाना चाहिए इस इसपे भी थोड़ी हम डिस्काउंट देंगे तो सेम बात है भाई ये जो एग्जिस्टिंग बैड डेट है ट्रायल बैलेंस में ये तो हम ऑलरेडी डेटर्स में से माइनस कर चुके हैं ना तो ये जो एक लाख रुपए के डेटर्स आ रहे हैं मेरे ट्रायल बैलेंस में इसमें से तो पांच हजार रुपए के जो एग्जिस्टिंग बैडेट है ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं तो ये ऑलरेडी एडजस्टेड है ऑलरेडी है तो मुझे दोबारा माइनस नहीं करना हाँ ये छह हजार के जो नए बैड डेट्स हैं ये वो बैड डेट्स हैं जो मेरे को नए बैड डेट्स हैं जो मैंने अभी डेटर्स में से माइनस नहीं करे इसलिए मेरे को ये माइनस करना तो पहले इतना क्लियर ओके okay. अब हमने क्या माइनस किया इसके बाद क्लोजिंग प्रोविजन क्लोजिंग प्रोविजन अब क्लोजिंग प्रोविजन क्यों माइनस किया आप खुद सोचो जो ये हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रहे हैं नौ हजार चार सौ का ये क्या है ये अल्टीमेटली है क्या ये मेरा अंदाजा है कि भाई ये टोटल मेरे डेटर्स में से नौ हजार चार सौ रुपए मेरे को मिलेंगे ही नहीं अभी तो मैं आज ही प्रोविजन बना रहा हूं मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि भाई मेरे को टोटल डेटर्स में से नौ हजार चार सौ रुपए के ऐसे अमाउंट है जो मेरा कल को दोबारा और बैड डेट हो जाएगा ये मेरे को रिकवर नहीं होने वाला इसलिए मैं इसको आज ही प्रोविजन में बना के चल रहा हूं तो अभी सेम बात है भाई जब मैं कह नौ हजार चार सौ रुपए मुझे फ्यूचर में मिलेंगे ही नहीं फ्यूचर में बैड डेट्स हो जाएंगे तो जो मुझे अमाउंट मैं कह रहा हूं कि मुझे मिलेगा ही नहीं जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि जो अमाउंट मुझे मिलेगा ही नहीं तो क्या उस अमाउंट पे मैं कोई डिस्काउंट दूंगा अगेन नहीं दूंगा भाई जो अमाउंट मुझे मिलने ही नहीं वाला उस पर मैं डिस्काउंट देने की बात क्यों करूंगा इसलिए मैंने क्लोजिंग प्रोविजन भी माइनस कर दिया तो अब जो बच गए डेटर्स ये तीन सारी चीजें माइनस करने के बाद जो एटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बच गया ये क्या है ये वो अमाउंट है मेरे टोटल डेटर्स में से मेरे एक लाख के डेटर्स में से जो मैं कह रहा हूं कि मुझे मिल जाएगा है ना आउट एक लाख के टोटल डेटर्स है बट उसमें से कुछ नए बेड डेट्स भी हो गए हैं कुछ मैं प्रोविजन बना रहा हूं कि मेरे को मिलेगा नहीं तो ये एटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वो अमाउंट है जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि मेरे को मिल जाएगा टाइमली ठीक है इसलिए मैंने इसको बोला गुड डेटर्स ये अच्छे डेटर्स है ये अच्छे लोग हैं जो मुझे मेरा पैसा दे देंगे तो जो पैसा मुझे मिलने वाला है डेटर से जो मैं सोच रहा हूं कि मुझे मिल जाएगा उसी पे तो मैं डिस्काउंट का प्रोविजन बनाऊंगा उसी पे तो मैं डिस्काउंट देने की बात करूंगा तो इसीलिए हम लोग यहां पे इस अमाउंट पे डिस्काउंट बनाएंगे डिस्काउंट का प्रोविजन बनाएंगे तो अब जो मैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाऊंगा वो किस पे बनाऊंगा एटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पे बनाऊंगा आई होप आप लॉजिक समझ गए होगे इसके पीछे का अच्छे से तो इसका परसेंटेज क्या मैंने बोल रखा है कि भाई मैं कितेंट का डिस्काउंट दूंगा तो बताओ कितना आ है? 84, into तो ये आ रहा रहा है है ये तो कितना ठीक है तो दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट जो हमको करनी है आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे अब क्वेश्चन ने मांगा क्या था आपसे क्वेश्चन ने तो बोला था भाई पीएनएल का और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओ तो बना लेते कोई दिक्कत है क्या चलो बना लो आप मेरे साथ साथ ठीक है आ जाओ तो पहले पीएनएल की बात करते हैं तो पहले हम पीएनएल में क्या डालेंगे जो तेरह हजार चार सौ का मैंने डेबिट किया है नुकसान यहां पे जो बेसिकली बैलेंसिंग का निकाला है तो इसको हम लोग यहां पे पोस्ट कर देते हैं तो यहां हम लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तेरह हजार है अच्छा अब आप लोग बोलोगे कि सर बैड डेट्स जो है जो बैड डेट्स हैं ये भी तो नुकसान है ये भी तो पीएनएल में जाता है तो टोटल मेरे ग्यारह हजार रुपए के बेडडेट्स हो भी ये भी पीएनएल में जाना चाहिए और आपने सर ऊपर बैड डेट्स की जो एडजस्टमेंट लिखवाई ऊपर उसमें भी आपने ये चीज लिखी है देखो मैं बहुत ऊपर जाना पड़ेगा लेकिन अगर आप यहां पे भी देखोगे सर आपने यहां पे भी बताया कि बैड डेट्स को आपको पी में डेबिट करना होता है तो सर ये भी तो डेबिट करो बैडेट्स भी तो नुकसान है ये भी डेबिट करो लिख दो आप लोग ग्यारह हजार रुपए तो पहले आप लोग भी लिखो ग्यारह हजार रुपए और इसको लिखने के बाद इसको कांटा लगा दो इसको आप कांटा लगा दो लिख के कांटा जरूर लगाना ताकि आपको याद रहे क्यों कांटा लगवाया क्यों काटा लिखवाया आप एक बार अपने प्रोविजन फॉर डेट्स तो ले लिया हमने यहां पे पूरे रुपए का ले लिया। तो जो मेरा यहां पे बैलेंसिंग फिगर बच रहा है ना तेरह हजार चार सौ का ये ग्यारह हजार रुपए का डेट कंसिडर करने के बाद ही तो बच रहा है तो कहीं ना कहीं इन अदर वर्ड तेरह हजार चार सौ रुपए में बेड डेट्स का भी इंपैक्ट आ रहा है कर रहा है इसलिए मुझे दोबारा से अलग से ग्यारह हजार रुपए का डेट्स दिखाने की जरूरत में तेरह हजार चार सौ की हमने फिगर निकाली इसमें दोनों भी चीजें आ रही है देखो। इसमें अगर मैं ब्रेकअप करवाना चाहूं तो डेट आ रहे हैं ग्यारह हजार के और जो बैलेंस कितना बच रहा है दो हजार चार सौ ये है मेरा जो मैं प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं प्रोविजन टू बी क्रिएटेड तो दोनों मिला के मेरा यार है तेरह हजार चार सौ तो क्योंकि हजार चार सौ में मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया इसलिए मुझे यहां पे अलग से बैड डेट्स लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि तेरह हजार चार सौ में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो आप लोग इसको लिख के लिखे काट लेना और अब आप नोट पढ़ना जो मैंने आपको एक नोट लिखवाया था शायद वो आपको अब समझ आएगा ये देखो ये वाला नोट हमने लिखा था तो ये लिखा देखो वेन अब प्रोविजन अकाउंट इज प्रयर डू नॉट डेबिट बैड डेट्स इन एज बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेटेड वुड इंक्लूड बैड डेट्स बैडेंसिंग फिगर निकाली तेरह हजार चार सौ की उसमें बैड डेट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसलिए हमें अलग से इसको डेबिट करने की जरूरत है ही नहीं ठीक है जी तो इसलिए आपको मैंने बोला कि हमको टोटैलिटी में देखना है कि हमें सब मिला के चीजों की, की ट्रीटमेंट कैसे करनी है अच्छा अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी तो बनाया छह हजार तीन सो छ हजार तीन सौ पैंतालीस का सिक्स थ्री फोर फाइव का तो ये जो मैंने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाया ये मेरे को यहां पे दिखाना पड़ेगा तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स सिक्स थ्री फोर फाइव ठीक है तो ये आपका बन जाएगा पीएनएल अकाउंट तो ये खाली पीएनएल का एक्सट्रैक्ट है ठीक है तो बाकी चीजें तो है नहीं हमारे पास तो हम खाली एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं कि ये चीजों की आपको कैसे डिस्क्लोजर करनी है अपने पीएनएल अकाउंट चलो ये क्लियर हो गया होगा तो ये क्लियर हो गया तो बैलेंस शीट का भी एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं थर्टी मार्च टू की यह आपकी लाइबिलिटी यह आपके एसेट्स ठीक है तो लाइबिलिटी में तो यहां पे हमें कुछ दिखाना ही नहीं जो चीजें हमें दिखानी वो एसेट साइड ही दिखानी है तो आप एसेट साइड थोड़ी बड़ी कभी कर सकते हो तो एसेट साइड में हम कैसे डिस्क्लोजर करते हैं? पहले हम लेंगे डेटर्स जो एक लाख रुपए के हैं एस पर ट्रायल बैलेंस ठीक है तो मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा रखा है तो वही चीज मैं कर रहा हूं इसमें से हम क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करेंगे या क्लोजिंग प्रोविजन भी माइनस करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग क्या हटाएंगे फर्दर बैड डेट्स सिर्फ फर्दर बैड डेट्स हटाएंगे नए बैड डेट्स हटाएंगे पुराने नहीं हटाएंगे अब आप लॉजिक लॉजिक समझ गए होगे क्यों क्योंकि पुराने जो ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स हैं वो ऑलरेडी डेटर्स में से माइनस फोर हो रखे होंगे तो वो माइनस होने के बाद ही एक लाख रुपए का डेटर्स का बैलेंस आ रहा होगा इसलिए वो दोबारा माइनस नहीं करना हाँ सिर्फ फर्दर बैड डेट हमें माइनस करना तो कितना है फर्जर बैड डेट छह हजार का है ठीक है जी और हमको इसमें से फिर क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करना होता है फॉर डाउटफुल डेट हालांकि एग्जाम में आपको क्लोजिंग लिखने की जरूरत नहीं खाली डायरेक्टली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख सकते हो बट यहां मैंने आपको क्लैरिटी के लिए लिख दिया है तो जो हमारी क्लोजिंग प्रोविजन है वो हम लोग माइनस कर देंगे तो कितनी की थी ये नौ की ठीक है तो ये माइनस करने के बाद मेरे क्या बच गए अच्छे वाले डेटर्स बच गए जो मैंने यहां पे भी कैलकुलेट करे थे 84,600 के ठीक है तो ये मेरे अच्छे डेटर्स हैं जिनसे मुझे लगता है मेरे को पैसा मिल जाएगा अब इसमें से हम और क्या माइनस कर देते प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये भी हम यहीं से माइनस कर देते ठीक है तो प्रोविजन कितने का बनाया हमने डिस्काउंट ऑन डेटर्स का सिक्स तो देखो कितना बच रहा है एटी फोर सिक्स हंड्रेड माइनस सिक्स अब मेरा जो बाहर फिगर आएगी वो आएगी 72, 80, uh, 78, तो आप अगर इसको एनालाइज करो कि ये क्या फिगर है 78, मैं अपनी बैलेंस शीट में जब सेवेंटी एट टू फाइव फाइव लिख रहा हूं तो मैं बेसिकली क्या लिखना चाह रहा हूं मैं क्या बताना चाह रहा हूं मैं अपने यूजर्स को रीडर्स को क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं भाई देखो तुम्हें अल्टीमेटली डेटर से मुझे कितना पैसा मिलने वाला है सारा डिस्काउंट बेड डेट प्रोविजन सब हटा दो उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे डेटर से मुझे इतना ही पैसे मिलने वाला है ठीक है तो इसलिए हम लोग प्रोविजन वगैरह को यहीं से माइनस करके दिखाते हैं हम बेसिकली क्या अपने रीडर्स को बता रहे हैं कि हमें आउट ऑफ वन लैख सिर्फ इतना ही पैसा मिलने वाला है आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे ठीक है जी तो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट कि आपको कैसे कंबाइंड एप्लीकेशन करनी है तीनों एडजस्टमेंट की जो मेनली इंपॉर्टेंट है समझने के लिए राइट तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी सारी डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी अब आप आई जाइएगा स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन नंबर फोर पे ठीक है तो एक इलस्ट्रेशन नंबर फोर डिस्कस कर लेते हैं और फिर अपने आज के लेक्चर को खत्म कर देंगे तो इलस्ट्रेशन फोर वैसे मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं ये प्रॉपरली ड्राफ्टेड नहीं है नॉट प्रॉपरली ड्राफ्टेड बट फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं समझ आ जाएगा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है इस क्वेश्चन की चलो पढ़ो जरा ऑन फर्स्ट अप्रैल 2020, थाउजेंड ट्वेंटी ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टेड एट रुपीज तो एक अप्रैल 2020 को हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से कितने चालीस हजार रुपए के ट्रेड रिसीवेबल्स और 31 मार्च 2020 वर रुपीस पंद्रह लाख वही मतलब ओपनिंग डेट की आपको ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं बैड डेट्स टोटल एक लाख रुपए बैड डेट्स कितने के हुए एक लाख रुपए के इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ बैट राइट ऑफ द बैड डेट्स हमें बैड डेट्स अभी राइट ऑफ करना है एंड क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू फाइव परसेंट ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस ठीक है तो पहले बोल रहा है क्वेश्चन क्लियरली कि आपको क्लियरलीड डेट्स राइट ऑफ करना है डेटर्स में से और फिर आपको पांच परसेंट का प्रोविजन बनाना है शो हाउ यू वुड कंप्यूट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू पी एन एल अकाउंट आ जाओ तो काम करें वही जो हमने फंडा सीखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाने का वही बना लेते हैं तो इससे भयंकर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया अभी एग्जाम्पल में उसके सामने तो ये बिल्कुल छोटा भीम लग रहा होगा चलो तो सबसे पहले आपको देखना प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितना दे रखा है किधर गया अब 40,000 चालीस हजार फोर्टी थाउजेंड ओके अब आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो अब क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हैं डेटर्स तो का बैलेंस कितना आ रहा है अभी पंद्रह लाख रुपए का इसमें से हमें डेटर्स अभी राइट ऑफ करना है क्वेश्चन बोला है कि डेटर्स आर बी बी तो सॉरी बैड डेट्स टू रिटर्न ऑफ तो हमें बैड डेट्स अभी इसमें से माइनस करना है तो एक लाख रुपए के बैड डेट्स हैं तो एक लाख रुपए माइनस कर दो और इसका कितना परसेंट बना रहा है हमें प्रोविजन फाइव परसेंट लो जी क्या कोई परेशानी है क्या इसमें कोई परेशानी है तो कितना आ रहा है चौदह लाख का दस परसेंट होता है एक लाख चालीस और उसका आधा कर लो आई थिंक सेवेंटी थाउजेंड आएगा अगर सेवेंटी थाउजेंड आएगा मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो देख लेता हूँ चौदह लाख का पांच परसेंट या सेवेंटी थाउजेंड ठीक है ठीक है जी अच्छा मैंने और क्या सिखा रखा है आपको जो भी बैड डेट्स हो एग्जिस्टिंग नए जो भी हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देने होते तो एक लाख रुपए के बैड डेट्स भी हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं हो गया काम खत्म बस और क्या है तो टोटलिंग कर लो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है एक लाख सत्तर यहां का भी एक लाख सत्तर आना चाहिए तो पीएनएल का बैलेंस मेरा कितना बच के आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर एक लाख तीस तो बाय पीएनएल बस ये तो निकालने बोला था क्वेश्चन निकाल दिया आपने कोई दिक्कत है एक बार टैली कर लेते हैं आंसर क्या हमारा आंसर सही है देखो ये ठीक है आई थिंक क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग इशू था मेरे को पढ़ते वक्त भी अजीब हो रहा था तो आप करेक्शन कर लो ये पढ़ते वक्त भी थोड़ा अजीब लग रहा था बट मैंने ध्यान भी दिया ज्यादा क्योंकि मेरे को पहले से ही ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम ही लग रही थी या फर्स्ट अप्रैल 2019 होना चाहिए ठीक है तो देखो कंफ्यूजन था मेरे को बट सोल्यूशन से पता लग गया इन्होंने जो चालीस हजार का बैलेंस लिया है फर्स्ट अप्रैल 2019 का लिया है दैट स यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है ये फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन होगा तो आप करेक्शन कर लेना तो थोड़ा ठीक हो जाएगा ठीक है एनी anyway, वे लेकिन हमारे सोल्यूशन तो ठीक ही बैठा ठीक है अच्छा आप इसको ना स्टेटमेंट फॉर्म में भी दिखा सकते हो जो ये आपने अकाउंट बनाया है इसी को आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी दिखा सकते हो तो अगर आप देखोगे सोल्यूशन में उन्होंने स्टेटमेंट फॉर्म में भी दिखा, दिखाया है लेकिन अल्टीमेटली किया वही है जो हमने किया हुआ है किया वो ही है बस इसको इन्होंने स्टेटमेंट फॉर्म uh, में दिखाया तो स्टेटमेंट फॉर्म को आप इग्नोर करके आप डायरेक्टली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बना लोगे कोई भी दिक्कत नहीं ठीक है तो आप कोई भी दिक्कत नहीं आप इसको ऐसे दिखा सकते हो स्टेटमेंट फॉर्म नहीं समझ आता इग्नोर मार दो राइट right? तो काफी इंपॉर्टेंट आई थिंक ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट दैट यू कवर दैट यू हैव टू कवर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्योंकि इसमें तीन तीन एडजस्टमेंट की यहां पर आपकी इंटरलिंकिंग हो सकती है जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा जो मैंने आपको करवाया ठीक है तो इतना मैंने आपको बना के करा दिया कि उसके बाहर मुझे नहीं so. राइट तो हो right? चलो तो लेक्चर को खत्म करते हैं अभी हमारे और एडजस्टमेंट्स बच रहे हैं, लेकिन अब सारे छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स हैं इतना डिटेल डिस्कशन हमें किसी भी एडजस्टमेंट में नहीं करना वो हम जल्दी से निपटा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में

और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर थ्री सारे छोटे छोटे सवाल है आराम से हो जाएंगे और इसके अलावा अभी तक की जो भी एडजस्टमेंट करी स्पेशली जो हमने सिक्स सेवन एट वाली एडजस्टमेंट डिस्कस करी उसको जरूर अच्छे से रिवाइज कर लेना ठीक है बाकी हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इससे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना ख्याल रखिए परिवार का ख्याल रखिए हंसी खुशी रहिए एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करते रहिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर